तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है बहुत ही स्पेशल, जो है अमृतसरी न्यूट्री कुलचा। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुलचे की डो लगा रहे हैं। तो एक कप में मैंने लिया है लगभग 1 टीस्पून ईस्ट और 1.5 टीस्पून चीनी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा 1 कप गुनगुना पानी और अच्छे से इसको मिलाएंगे और 10 मिनट के लिए इसको एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप मैदा हमने लिया है, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं लगभग 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून देसी घी। आप चाहे तो इसकी घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसमें डाल दिया है ईस्ट वाला सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया था। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और एक बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसकी डो थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड ना हो। अगर आपको जरूरत पड़ती है बीच में तो इसके अंदर थोड़ा गुनगुना पानी मिला सकते हैं। तो डो हमारी तैयार है। अब इसको हम ढक के रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए, जिससे कि ये पफ हो जाए, अच्छे से फूल जाए। तो अब हम बना रहे हैं कुलचे की टॉपिंग। तो इसके लिए एक सूखी मिर्च ली है मैंने, जिसको मैंने सीजर से काट लिया है और इसके फ्लेक्स निकाल लिए हैं। आप चाहें तो रेडीमेड फ्लेक्स जो आते हैं चिली फ्लेक्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाला है कटा हुआ धनिया, अजवाइन और भुना हुआ जीरा। अब डाल देंगे इसके अंदर हम सॉल्ट और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कुलचे की टॉपिंग तैयार हो गई है। तो आइए अब हम बनाते हैं न्यूट्री जो हमारी ग्रेवी है उसका मसाला। तो यहाँ पे लिया कश्मीरी लाल मिर्च लगभग 2 नंबर, उसके अंदर 7 से 8 गार्लिक के क्लोव लिए हैं मैंने, लगभग 1.5 इंच अदरक जिसको बारीक काट लिया है और कुछ पुदीना, हरा धनिया आपको उसके स्टेम के साथ लेना है, इस बात का ध्यान रखें। लगभग 1 टेबलस्पून चना मसाला और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, किचन किंग पाउडर लगभग 1/2 चम्मच, अनारदाना पाउडर वो भी 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलेगा तो ये डालेंगे हम लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास, 2 पिंच इसके अंदर हमने डाली है हींग, और ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है सोया सॉस, वो भी डार्क वाली लगभग 1 चम्मच। तो इससे सोया सॉस से बहुत ही अच्छा कलर आता है ग्रेवी का। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, और एक ब्लेंड करके इसका एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो हम मैंने लिया लगभग 1.5 कप न्यूट्री यानी कि सोया चंक्स, और एक पतले कपड़े के अंदर लगभग 1 चम्मच चाय पत्ती लेंगे। इस कपड़े को अच्छे से बांध देंगे और न्यूट्री को साथ में बॉयल कर लेंगे। ये रेसिपी बन रही है 3 से 4 लोगों के लिए। तो 3 कप लगभग पानी लिया है, तो उसके अंदर मैंने न्यूट्री और चाय पत्ती डाल दी है। 7 से 8 मिनट इसको बॉयल करेंगे। और अब तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे की कढ़ाई, जिससे बहुत ही अच्छा न्यूट्री का कलर आता है। तो उसमें लिया हमने मस्टर्ड ऑयल, जीरा डाला उसके अंदर, थोड़ी कश्मीरी चिल्ली पाउडर, और इसको अच्छे से लगभग 1 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर चॉप्ड ऑनियन, बारीक कटा हुआ प्याज लगभग 2 नंबर, और इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, बस हल्का सा लाइट कलर आ जाए इसके अंदर और ये डन है। उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर जो हमने मसाला का पेस्ट तैयार किया था उसको, और एक मीडियम फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब बारी आती है इसके अंदर टमाटो प्यूरी डालने की। तो यहाँ 4 टमाटोज हैं जिसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, उसकी अब प्यूरी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे, और बीच बीच में इसको थोड़ा हिलाते रहें। अब डाल दिया इसमें लगभग 1/2 चम्मच मैंने काला नमक, रेगुलर सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम बॉयल की हुई सोया चंक्स, और साथ में जो इसका पानी बचा था ना चाय पत्ती वाला, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे,
जो इस ग्रेवी को देगा डार्क ब्राउनिश ब्लैकिश कलर। अब यहाँ पे लिया मैंने लगभग आधा उबला हुआ आलू जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, वो इस ग्रेवी में डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। आलू से जो इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो ये भी एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, तो इसको आप ज़रूर डालें। तो इसको हम 7 से 8 मिनट स्लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है इसका सेकंड तड़का। जैसे ठेले वाले तड़का लगाते हैं न्यूट्री के अंदर, बिल्कुल वही तरीका है। तो तवे के ऊपर मैंने लिया है 1 चम्मच बटर, जिसके अंदर डाली थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ा कश्मीरी चिल्ली पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर 2-3 स्लिट करी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा बारीक कटा हुआ गाजर, थोड़ा प्याज स्लाइस किया हुआ वो इसमें डाल देंगे, और थोड़ी शिमला मिर्च। 1 मिनट तक के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे इस मसाले के अंदर, और न्यूट्री के ऊपर इसको हम डाल देंगे। ये बिल्कुल वही तरीका है जैसे रोड साइड जो न्यूट्री मिलती है, सेम प्रोसेस होता है उनका, उसी तरीके से जब सर्व करते हैं फिनिश करने से पहले ऐसे ही सब्जियों का तड़का लगा के वो न्यूट्री के ऊपर डालते हैं। और लास्ट में हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर। तो न्यूट्री हमारी तैयार है, अब हम कुलचे बना लेते हैं। देखिए पफ हो चुकी है डो हमारी कुलचे की, थोड़ा इसको पंच करेंगे अच्छे से और बढ़िया सी डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको जरूरत लगती है बीच में चिपक रहा है तो थोड़ा सा इसके अंदर फ्लावर आप डस्ट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया से डो हमारी तैयार है। अब थोड़ा सा ऊपर हम इसके घी या फिर ऑयल से इसको ब्रश कर देंगे। अब इसके हम छोटे छोटे जिस भी साइज़ के आपको कुलचे चाहिए इसके हम पेड़े काट लेंगे। तो बस अब हमको करना क्या है, इनको रोल करना है। अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे जो लंबे वाले कुलचे मिलते हैं उस शेप में, आप चाहें तो इसको राउंड भी बना सकते हैं। तो कुलचा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर जो टॉपिंग हमने तैयार करी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे और हाथ से थोड़ा प्रेस कर देंगे। तो ये कुलचा हम बना रहे हैं गैस के ऊपर, यानी कि पैन के अंदर। तो आप चाहे तो उसको ओवन के अंदर भी इन कुलचों को बना सकते हैं। उसके लिए आप इसको 180 डिग्री के ऊपर लगभग 15 मिनट के लिए इसको आप बेक कर सकते हैं। तो पैन में मैंने कुलचा डाल दिया, थोड़ा सा पानी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है जिससे कि इसके अंदर थोड़ी स्टीम बने, और इसको हम ढककर मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, लगभग स्लो टू मीडियम फ्लेम 2 से 3 मिनट के लिए। तो एक तरफ से कुक हो चुका है अच्छे से। अब कुलचे के ऊपर हम थोड़ा सा बटर या फिर घी ब्रश कर देंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी इसको हम पका लेंगे। तो आप देखेंगे कुलचा बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा हमारा, पफ भी हो चुका है ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में बना सकते हैं जैसे ये वाला कुलचा है, तो जो भी आप शेप प्रेफर करें उसमें आप बनाइए। तो अब बारी आती है इनको सर्व करने की। तो पैन के अंदर लिया थोड़ा सा बटर, उसके अंदर डाला मैंने हरा कटा हुआ धनिया, थोड़ी सी न्यूट्री जो हमने बनाई थी उसकी ग्रेवी, और इसके ऊपर डाल देंगे हम कुलचा जो हमने बनाया था, और मीडियम फ्लेम पे बोथ साइड से इसको हम पका लेंगे। बीच बीच में हल्का इसको प्रेस करते रहें ताकि अच्छे से ये पक जाए। कितना बढ़िया कलर आया देखिए आप। तो कुलचा हमारा लगभग तैयार है, आइए इसको सर्व करते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया न्यूट्री का, बिल्कुल डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर, जैसा कि एकदम रोड साइड जो न्यूट्री मिलती है सेम वैसा कलर आया इसका। साथ में हम सर्व कर रहे हैं लच्छा प्याज और थोड़ा नींबू का वेज हमने लिया है, और साथ में लेंगे घर की बनी हुई धनिया पुदीने की चटनी जो होती है वो हम इसके साथ सर्व करेंगे, और न्यूट्री के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बटर, और साथ में ये गरम गरम कुलचा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।